एक सेकंड चार्ल्स। हेलो, हाँ दीदी, कहाँ रह गए आप? अरे बट पिछले महीने तो 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। दीदी अच्छा मेरी बात सुनो। हेलो सुन क्या हुआ निहारिका, ऑल ओके? यार इतनी मुश्किल से हाथ पैर मार के फाइनली एक बेबीसिटर रखी थी, एजेंसी को कमीशन भी दी थी। अब ना एजेंसी फोन उठाती है ना बेबीसिटर मेरी बात सुनती है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। इसकी तो मुझसे भी बुरी हालत है। शख्स इसने अपनी पड़ोसी से एक कुक रखी थी। कुक को बोला है कि बेसिक सा पोहा बना दो, तो कुक बोलती है कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई एम आउट। यार इसमें इनकी क्या गलती है? इनको कोई ट्रेनिंग तो देता नहीं है यार। इन प्रॉब्लम्स का कोई तो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है शार्क्स, इंडिया के हर घर में ये एक्सपीरियंस मिसिंग है। एक ऐसा कुक जो आपको कभी ना होने दे लेट। एक ऐसी भरोसेमंद बेबीसिटर जो आपके बच्चे की हो फेवरेट। जो आपके घर को रखे एक्सट्रीमली ग्रेट। सुपर वुमन है ये तो। और ये सॉल्यूशन लेके आया है ड्रूमीज, इंडियाज ट्रस्टेड होममेकर्स। हेलो शार्क्स, मैं हूँ निहारिका। मैं हूँ वैभव। मैं हूँ सौरभ। और हम लोग आए हैं दिल्ली से। शार्क्स, ड्रूमीज एक ऐसा टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने घर के लिए एक हाउस हेल्प, कुक, बेबीसिटर या ऑलराउंडर बुक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे और 2 मिनट में आपकी बुकिंग क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद सारी हेडेक हमारी। हम आपके लिए ढूंढेंगे एक वर्कर जो फुली ट्रेन्ड, वेरीफाइड और रिलायबल होगा। लास्टली हम इनको देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स और सबसे बड़ी बात 3 times ज्यादा सैलरी कमाने का मौका। इंडिया के 5,000 से भी ज्यादा घरों में अपनी सर्विस दे चुका है। Very good. और आज इस मंच पे आपके समक्ष 80 लाख की मांग करने आया है फॉर 2% इक्विटी। फॉर 2%। शार्क्स, ये हमारी एस ब्लूमी है तृप्ति जी। इन्होंने कुछ आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो इन्होंने हमारे ट्रेनिंग हब्स में सीखा। अरे वाह, तो आपकी इजाजत चाहेंगे? बिल्कुल यार, रिश्वत दीजिए। ये तृप्ति जी आप ही ने बनाया है? जी सर। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हां जी सर। सिर्फ तो आप एक्चुअल हेल्पर हो, हाउस हेल्प हो, क्या आप क्या काम करती हो? मैं इस कंपनी से जुड़ी हुई हूं। मैं इनका हेल्पर के तौर पर काम करती हूं। आपको मिल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस? हां, मैंने लिया हुआ है मैम। अरे वाह। और आप इतना खुश क्यों हैं? काम करके खुश हो कि टीवी पे आ रहे हो इसलिए खुश? सर टीवी पे आ रही हूं इसलिए मैं खुश हूं यार। सबसे बड़ी बात सर, यूज सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अरे वाह, आपका खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सर। तो आप कितने घरों में काम कर चुके हैं तृप्ति जी? मैम मैं 3 से 4 घरों में काम करती हूँ रूमीज के थ्रू। हाँ जी हाँ जी। तो आप इनको क्यों कमीशन देती हो, खुद क्यों नहीं कर लेती हो 3-4 घर? सर फिर मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मुझे कंपनी से मिली है। क्या नहीं मिलेगी बताइए बताइए। मतलब जैसे हम उनसे अगर बोलेंगे हमें एडवांस दे दो, हाँ जी, तो मुझे पे कैसे भरोसा करके दे देंगे? अच्छा, और पैसे की जरूरत हो, हाँ जी, या किसी लोन कुछ करवाना हो, हाँ, तो मुझे उनसे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मुझे कंपनी से मिलेगा। अच्छा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कंपनी उठाती है हमारी। तो आप खुश हो? हाँ सर मैं बहुत खुश हूँ इससे जुड़ के। आपकी पहले क्या इनकम थी और आप इनको जा जॉइन सकते हैं? मैम पहले गुड जॉब, हम कर लेंगे डील। हमें कस्टमर ही मिल गया। आप पहले क्या कमाती थी और इनको ज्वाइन करने के बाद अब क्या कमाती है? बेबी सिटर का काम किया था मैंने 5 साल, जिसमें मैं उस समय कर रही थी 2,000 रुपए मिलते थे मुझे। हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने सिक्योरिटी ज्वाइन करी, उधर 12,000 मिलते थे मुझे। और अभी? अब मैं यहाँ पर जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कुकिंग में मिलता मुझे 28,000 के आसपास हो जाता है। मोर देन डबल। फैबुलस जॉब, प्राउड ऑफ यू। नमस्कार तृप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। निहारिका, वैभव, सौरभ, ये प्रॉब्लम तो है, जेन्युइन प्रॉब्लम और सबको ये प्रॉब्लम निकल रहा है अमन का ना, सबकी दुखती रख है। हां, क्योंकि जब यू नो मेरे घर पे हेल्प नहीं होती तो मेरी मतलब मैं हेल्प बन जाता हूं, राइट? तो ये प्रॉब्लम आप में से किसको आई?
पहले, तो आप इन दोनों को कैसे मिले और कैसे जानते हो? सर हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से, और शुरुआत से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे काम किए हैं कॉलेज में भी। उसी दौरान हमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन किए लोगों से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं मिलती, तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखते हुए सोचना स्टार्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल, ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। हाँ। मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, बिजनेस हैदराबाद, सॉरी एसबी हैदराबाद, तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने रूम में स्टार्ट किया। और इससे पहले आपका वो क्या है वर्किंग बैकग्राउंड? कॉलेज में आई वाज एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डांस बाइबल। ये जिमवेयर प्रोडक्ट्स बेचा था ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ईगॉन सेंटर ज्वाइन किया जो एक नीच कंसल्टिंग फर्म है। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और उसके बाद मैं आईएसपी जाने वाली। आपका ये पैटर्न दिख रहा है निहारिका जी, कि आप पहले देखती हैं किसी ने शुरू कर लिया, फिर लग रहा है थोड़ा ठीक चलेगा तो आप ज्वाइन कर लेती हैं। फर्स्ट को जानते थे, हमें कॉमन ग्रुप में भी कनेक्टेड थे, और मेरे को था कि अब मेरे पास एटलीस्ट कोविड हो गया, आई डोंट वांट टू डू एन ऑनलाइन एमबीए, सो आई पुट इट अप ऑन द ग्रुप की कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या, सो दे टोल्ड मी दिस, सो आई वॉज एक्चुअली देयर फर्स्ट कस्टमर। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है और मेरी मॉम अभी क्लोज टू 60 इयर्स ओल्ड, एंड आई हैव सीन हर एजिंग अवे बिकॉज ऑफ द वर्क। ऐसा हाँ, ये बहुत बड़ी पेन पॉइंट है। हाँ जी। आप मुझे एक वर्कर लाके दो, इफ यू आर एबल टू डू इट आई विल कम ऑन बोर्ड। ओह वाओ, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील फॉर कस्टमर्स एंड दीस टू स्ट्रांगली फील फॉर वर्कर्स, तो वर्कर्स कस्टमर्स थ्रू टेक इज व्हाट वी डू। व्हेन वाज ब्रूमीज बोर्न? फरवरी 2021 हमने ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया, बट हम अगस्त 2020 से काम स्टार्ट कर चुके थे इस पर। आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? मैम दो चैनल्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। हमारा एक वर्कर ऐप है, ऑफलाइन चैनल भी है जिसमें हमारे पास खुद के वर्क ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, और बहुत बड़ी टीम है जो ऑन फील्ड कैंपेन्स करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है और लोगों को लाती है। आप कंप्लेंट्स के लिए आपका मैकेनिज्म, मतलब क्या तरीका है? मैम दो ऐप्स हैं, वर्कर ऐप, कस्टमर ऐप, फीडबैक ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है। इवन इफ अगर कोई भी आईवी या टोल फ्री टीम ना हो, सब कुछ आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? सर बिटवीन वर्कर एंड ग्रूमीज, बट ये सर्विस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। और सिमिलरली कस्टमर का बिटवीन कस्टमर एंड ग्रूमीज अगेन। सुपर्ब। कंपटीशन क्या है? बुक माई बाई है या फिर हाउस मेड है। मैम एक तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे, तो स्केलेबिलिटी एक्चुअली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क। एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, फेसबुक ग्रुप्स, वहाँ पे ये सब काम बहुत होते हैं। सर मैं खुद एटलीस्ट 20 फेसबुक ग्रुप्स की पार्ट हूँ, पर एटलीस्ट 500 मुझे और ज्वाइन करने हैं जिससे मैं ग्रूमीज को मार्केट कर पाऊँ। लास्ट क्वेश्चन, आप सीईओ हैं? नो मैम, सीईओ वैभव है। आप कॉपकॉम देखती हैं? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी हूँ, तो मेरा वोकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग। आप कॉर्पकॉम नहीं, आप वैभव और सौरभ का कम्युनिकेशन देखते हैं। आई लव योर पैशन, यू आर टू गुड मैन। आप लोग के क्या रोल्स हैं इस कंपनी? रोल एंड इक्विटी दोनों बता दीजिए। मैं कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी देखती हूँ। अच्छा जी। वैभव सीईओ है एंड प्रोडक्ट एंड टेक पूरा संभालते हैं। सौरभ सीओओ है एंड ऑपरेशंस एंड पूरा सप्लाई चेन देखते हैं। इक्विटी 25%, 22%, 5% इज ESOP, रिमेनिंग 25% इज विद इन्वेस्टर्स। इस इंडस्ट्री में डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स बहुत हाई है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल और टेंजिबल नहीं है। वो एक केमिस्ट्री बन जाता है, इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, पर्टिकुलरली द पर्सन हु रन्स द हाउस और जो हेल्प घर पे आ रही है, तो उसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्डाइज करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सर हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि हम एक एक्चुअली बहुत मुश्किल से मैच करा पाते थे। कस्टमर कुछ बोल रहे हैं मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए, वर्कर बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और बहुत मुश्किल से मैच होता। अब हमारा अप्रोच ये है कि हम सब कुछ स्टैंडर्डाइज करेंगे और सब कुछ क्लियरली रिटन है। जब हमारी आप वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं, तो आप जब अपनी सर्विसेज का चूज करते हैं, तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते, जो ऑप्शन है उसी में से डाल सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद सेट सैलरी उधर ही शो होता है और नो नेगोशिएशन।
नो नेगोशिएशन। हम लोग एक्स एम्प्लॉयर चेक करते हैं जिसके अंदर हम उनके एक्स एम्प्लॉयर को एक्चुअली कॉल करके उनका फीडबैक लेते हैं। वेरी गुड, लॉट ऑफ द वर्कर्स डोंट लाइक टू गिव एक्स एम्प्लॉयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। 30,000 रुपए कमाना है तो वो तो खुद निकाल के देगा। तो ये हमारे कस्टमर ऐप है तो वो ऐप डाउनलोड करेगी, लॉग इन करेगी और फिर ऊपर हमारे चारों सर्विसेज सबसे पहले दिखती हैं। तो जैसे निहारिका को अगर शेफ या कुक बुक करना है तो वो यहाँ पे जाएंगी, शी कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड क्या चीज़ प्राइस में इंक्लूडेड है। इसके बाद वो बुक नाउ पे क्लिक करके बस अपना एड्रेस डालेंगी और बस आपको स्टार्ट डेट डालनी है और आपकी बुकिंग हो गई। और इसमें आप नीचे अगर देखेंगे तो एस्टिमेटेड मंथली सैलरी और आवर्स क्लियरली शो हो रहा है। पर इसको मैच अभी नहीं हुई ना, ये तो अभी आपने रिक्वेस्ट दी है। तो कितने परसेंट मैच होते हैं? मैं अगस्त के मंथ की अगर बात करूं, अराउंड 250 बुकिंग्स हमारे पास आई होंगी रिक्वेस्ट, जिसको हम उसमें से हम अराउंड 140 फुलफिल कर पाए होंगे। कुछ कम नहीं है नंबर? सर एक्चुअली फॉर अ 40 करोड़ वैल्यूएशन काफी कम लग गया। हम अभी साउथ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारा ट्रेनिंग सेंटर मॉडल है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे सेंटर्स खोलते हैं वैसे वैसे वो एरिया ऑपरेशन हो जाता है हमारे। हमें वैसे जो बुकिंग आती है वो 1000 क्रॉस कर जाती है, जो क्वालिफाइड बुकिंग जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको फुलफिल करेंगे वो नंबर 250। फिल रेट इतना कम क्यों? सर ये वो कस्टमर्स है जिनको एक्चुअली सैलरी से दिक्कत है। तो आपकी सैलरी मतलब मार्केट से बहुत हाई चार्ज करते हैं? नहीं सर, सैलरी हाई चार्ज नहीं करते, एक्चुअली मिनिमम वेजेस को ही फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स को आदत है बहुत एक्सप्लॉइट करने की और बहुत कम पे करने की। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ कितना होता है? 7 months। बस इतना ही? वर्कर्स काफी बार अपने गांव चले जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बीच में एंड हो जाता है और हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये एट्रिशन है पर जबकि वो इन अ वे कंटिन्यूड बुकिंग है बट बट उसको देखना चाहिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। यू शुड नॉट लुक एट दैट एज टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप गलती करोगे एनालिसिस में। लेकिन एवरेज कॉन्ट्रैक्ट लाइफ क्या है, वैल्यू क्या है? सो वैल्यू है समवेयर अराउंड 7000 टू 11000 रुपीस। और आपका कमीशन इस पर मंथ राइट? ये पूरा हमारा कमीशन। तो 10% लेते हो आप कुछ? हां रफली 10-14% हमारा टेक है। यू मस्ट हैव रेज इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसा रेज किया आप? तो इससे पहले हमने एक थोड़ा प्री सीड राउंड रेज किया था, 4.2 करोड़ रेज किया था हमने उस राउंड में। वैल्यूएशन क्या थी? 28 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। वाओ दैट्स रिच। और फिर उसके बाद हम अभी एक करंट राउंड रेस कर रहे हैं जिसमें हम 7 करोड़ का राउंड रख रहे हैं और ये राउंड हम रेस कर रहे हैं 35 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। बहुत सारा पैसा आपने 4.2 करोड़ खत्म करके नेक्स्ट राउंड तक क्यों? नहीं मैम, हमारे पास 3 करोड़ ऑलरेडी बैंक में अभी भी है। हमारा बर्न 20 लाख का है और हमारे पास अभी भी 1 साल का रनवे है। तो हम लोग मनी बहुत फ्रूगल यूज करते हैं, ऐसे बस खर्च करने के लिए नहीं करते हैं। तो अभी क्यों रेस करो? आप नेक्स्ट ईयर करोगे, शायद मार्केट बेटर हो, थोड़े अच्छे टर्म्स मिलेंगे। मैम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत मैटर करता है, मार्केट तब तक बेटर हो जाएगा, आपको बेटर टर्म्स मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर। शार्क टैंक में मैं हर बार कंपनीज आती हैं और बोलता हूं कि नहीं रेस करें, पर आप अच्छा कर रहे हैं रेस करके। और अगर आपने इस मार्केट में रेस कर लिया तो देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई थिंक यू आर बीइंग स्मार्ट अबाउट। आपने कहा आप 42 करोड़ पोस्ट मनी पे रेज कर रहे हैं, 35 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन, 7 करोड़ का राउंड। फिर भी आप यहाँ पर आके आपकी आस्क है 80 लाख और 2%, मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन। कम मनी में दे रहे हैं वैल्यूएशन। ऑनेस्टली हमारे पास कोई भी एक बहुत ही अमेजिंग इंडियन इन्वेस्टर नहीं है जिसने चीजें एट स्केल करी हैं। तो आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है। करेक्ट मैम, इस बिजनेस में ना आइडिया तो कुछ ग्रेट है नहीं, एग्जीक्यूशन इज द पे। करेक्ट। और बहुत ही बढ़िया यार, सॉलिड एंटरप्रेन्योर। वैभव लास्ट मंथ रेवेन्यू क्या किया आपने? अराउंड 15 लाख रुपीस प्योरली हमारा टेक जो था आपका जो टेक था वो 15 लाख और जीएमवी वाइज सर अराउंड 95 लाख था फॉर द लास्ट मंथ। बेटा मैं और अमन आपको एक ऑफर देना चाहेंगे। वाओ, we love your entrepreneurship passion. आप जो मिशन पे निकले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जिस तरह से जिस क्लैरिटी से आपने जवाब दिए, फैंटास्टिक। वी वुड लाइक टू ऑफर यू 80 लाख फॉर 3%। While I like your approach कि आप बहुत डिग्निटी ला रहे हैं इस प्रोफेशन में,
पर ये फाइनली जैसे आपने बोला इट बॉइल डाउन टू अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एग्जीक्यूशन गेम जहां एट सम पॉइंट अगर कोई यू नो लार्ज फंडेड प्लेयर आके डिसाइड करेगा कि मैं इतना पैसा इसमें बर्न करूं कि मैं सारे वर्कर्स को अट्रैक्ट कर लूं एंड यू नो बेटर बोलूं कि मैं 50,000 दूंगा तो फॉर अ स्टार्टअप टू विन द रिस्क्स आर वेरी हाई सो आई वुड लाइक टू बी आउट नेक्स्ट राउंड अगर आपको नहीं मिलता है बड़ा राउंड आप कैसे कम्पीट करोगे कैसे बड़ी कंपनी बनाओगे सर हमें बिना पैसों के भी काम करना आता है कैसे करोगे अभी हमारा जो मेन खर्चा है दैट इज ऑन प्रोडक्ट क्योंकि हम टेक अच्छा बिल्ड करना चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो आप इग्नोर कर सकते हो उन्हें कितने लोग हैं टीम में आप हमें इग्नोर कर रहे हैं आप हमें इग्नोर कर रहे हैं सर अभी हमारे पास 5 लोगों की हाई पेइंग टेक टीम है हमारी दैट इज वन एरिया जहां पे हम खर्चा कर रहे हैं और हमने मार्केटिंग अभी शुरू करी है पर एज एंड व्हेन हमारे मोर एरियाज ऑपरेशनल हो जाएंगे जो बहुत बड़ी फिक्स्ड कॉस्ट है ये डिवाइड हो जाएगी ओवर अदर सेंटर्स और जहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा चलिए मुझे लगता है आपकी टीम बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है और बहुत अच्छा काम कर रही है ये किसी ना किसी को करना है सॉल्व तो होगा ये काम तो मैं आपको एक ड्रीम डील ऑफर करता हूं ड्रीम डील का मतलब जो आपने मांगा वही ऑफर करता हूं 80 लाख फॉर 2% डन We match it. क्या आपका ऑफर चेंज हो गया? Yes, we match yours. Yours. Oh! Dream deal हम भी दे सकते हैं. Well done, guys. अमन, मेरा ये व्यू रहेगा कि वो 80 लाख और 3% अगर हम कर सकते हैं, तो हम तीनों आ जाते हैं. That's a good idea. बस अब हमें 2 मिनट दीजिए हम अगर एक कलेक्टिव ऑफर आप सोच के आइए और बताइए एक ऑफर जो इनको एक्सेप्टेबल हो सके गॉट इट जस्ट गिव अस वन फुल आंट कोई नहीं यार बिकॉज़ दे नीड मोर मनी 40 लाख मिले हमारा बस एक काउंटर ऑफर है अगर आप चारों 2 करोड़ for 5% आएंगे तो बिल्कुल वर्क हो जाएगा नो नो इट्स टू लेस फॉर अस देखिए मैं इससे आउट आप बाकी 3 से बात 1 करोड़ पे 3% बनता है तो उसमें क्या वैल्यूएशन आएगी 80 पे 2 ना 1 पे अभी दो अभी इजी हो जाता है इजी हो जाता है ना सुन अभी आपके 2 शार्क आउट है अभी 3 शार्क केन है व्हिच इज पीयूष नमिता और मैं हमारा अभी तक का जो ऑफर है ना 80 लाख और 3% है आपके इन्वेस्टर्स को जब आप बोलोगे ना कि अमन नमिता पीयूष आ रहे हैं वो मान जाएंगे Last 1 for 3 please ma'am Piyush sir you've already agreed please sir. Nahin, mereko, unko, unko bhi to agree karna. Thank you so much. I love the way you answer it. It's very good.